गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ मॉर्निंग की इस क्लास में। और आप जानते हैं कि इस समय मैं आप लोगों को CSS 3 की क्लासेस दे रहा हूँ, जो कि HTML 5 के साथ अप्लाई की जाती हैं, यूज होती हैं उसको डेकोरेट करने में। तो अब जैसे सपोज कोई टेबल आपने क्रिएट किया है HTML5 में, तो उसमें CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं आज की क्लास में वही हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, देखिए Notepad++ पे मैंने एक सिंपल टेबल बना रखी है और उसमें डॉग टाइप HTML डिक्लेरेशन दे रखा है HTML5 का। इसके बाद HTML टैग लगाया है, फिर हेड लगाया, स्टाइल टैग लगाया और फिर स्टाइल टैग के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं रखा है और स्लैश स्टाइल टैग लगा के इसे क्लोज किया हुआ है। टाइटल में HTML टेबल CSS3 प्रॉपर्टीज कर देते हैं और स्लैश हेड करके हेड सेक्शन को क्लोज करते हैं। फिर टेबल टैग ओपन करते हैं और कैप्शन में सेली सीट स्लैश कैप्शन लगा के टैग को बंद करते हैं। इसके बाद फर्स्ट TR में मतलब फर्स्ट टेबल रो में हमने नेम और सैलरी ये रखा। इसके बाद सेकंड TR में सुशांत उपाध्याय है और TD में, और दूसरे TD में है उसकी सैलरी 30,000 रुपये। और इसके बाद तीसरे TR यानी तीसरी रो में टेबल की निशांत कुमार है और TD में, और उसके दूसरी TD में उसकी सैलरी है 33,000 रुपये उनकी सैलरी है। और इसके बाद टेबल रो को क्लोज कर दिया है स्लैश TR लगा के। इस बार चौथी जो टेबल रो है उसमें TD पाली TD में अभिषेक शुक्ला जी हैं, जिनका TD में यानी कि फर्स्ट TD में उनका नाम है, सेकंड TD में उनकी सैलरी है 38,000 रुपीज़, मीन्स 38,000 रुपीज़ या 38,000 रुपीज़ जो रुपये आप जो आप कह लीजिए। इस बार स्लैश TD लगा के उसको मैंने क्लोज किया। TH, TR और TD आप जानते होंगे, ये मैंने आपको बताया था HTML5 में। TH मीन्स टेबल हेडिंग, TR मीन्स टेबल रो और TD मीन्स टेबल डेटा। तो इसके बाद स्लैश TR लगा के चौथी TR यानी टेबल रो को भी बंद कर दिया और स्लैश टेबल करके इस टेबल को टेबल टैग को क्लोज किया और स्लैश HTML करके पूरा HTML का ये कोड कंप्लीट किया। और अभी मैं यहाँ से स्टाइल टैग हटा देता हूँ, सिंपल आपको एक टेबल का प्रीव्यू दिखाता हूँ। अब देखिए इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं और रीनेम कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं HTML टेबल प्रॉपर्टीज, HTML टेबल इसको इस तरह से नाम दे देते हैं CSS3 प्रॉपर्टीज। इन HTML टेबल HTML और इसको फाइल टाइप को HTML ले लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और सेव। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू। तो
देखिए ये आपको सैलरी सीट दिखाई दे रही है जिसमें नेम सैलरी ये दो मैंने आपको टेबल हेडिंग दे रखी थी। सुशांत उपाध्याय पहला TD था जिसमें और दूसरा TD था 30,000 रुपीज़ यानी उनकी सैलरी थी 30,000 रुपये। निशांत कुमार दूसरा TD था जिसमें उनकी सैलरी थी 33,000 रुपीज़ और अभिषेक शुक्ला तीसरा TR था टेबल डो था और चौथा TR था और उसमें उनकी सैलरी थी 38,000 रुपीज़। तो ये टेबल क्रिएट हो गई थी। अब इसमें अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो इसको इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रीव्यू नोट, अब इसकी नोट पैड प्लस प्लस में इसकी स्टाइल टैग लगाते हैं, तो एंटर किया, टैग लगाया स्टाइल, फिर एंटर। अब यहाँ आके अगेन एंटर और सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं ऊपर से टेबल हमें कहाँ टेबल में लगाना है, हमें बॉर्डर इस बार TH हेडिंग में लगाना है और टेबल डेटा में लगाना है, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में भी लगाना है, तो TH और कॉमा TD। इसके बाद हमने दिया बॉर्डर, बॉर्डर को हमें कैसे देना है, सबसे पहले हमने 2 पिक्सल या 3 पिक्सल सपोज का मोटा बॉर्डर लेते हैं जिससे हमें साफ दिखाई दे। 2 पिक्सल का ले लिया, सॉलिड ले लिया, सॉलिड मीन्स कंटिन्यू उसमें लाइंस रहेंगी, और कलर हमने उसका ले लिया सपोज रेड। अब यहाँ सेमी कोलन का यूज कर लिया, तो इसको सेव करते हैं फाइल को। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो देखते हैं प्रीव्यू में बॉर्डर आता है कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे फाइल को, कुछ गलत हो गया है और गलती हमने क्या की है, गलती हमने ये की है कि स्टाइल टैग को क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया, फिर स्लैश स्टाइल लगा के स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। अब फिर से इस फाइल को सेव करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, देखिए 2 पिक्सल का रेड कलर का बॉर्डर इस टोटल सैलरी सीट में आ गया है। अब हमें अगर बॉर्डर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये सब बॉर्डर जितने भी बॉर्डर हैं, ये इस सेल का बॉर्डर और यानी 30,000 वाली सेल का बॉर्डर, सैलरी वाली सेल का बॉर्डर, इनके बीच की गैपिंग बढ़ानी है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर एंटर लगाया और यहाँ पे हमने दिया बॉर्डर स्पेसिंग, कोलन लगा के
मान लीजिए हमने कर दिया 20 पिक्सल, हालांकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के पर्पज़ से कि देखिए कितनी ज़्यादा स्पेसिंग हो जाती है, स्पेसिंग से बहुत ज़्यादा बहुत कम जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये करके देखते हैं, अब फाइल को अगेन सेव करते हैं। इसको मिनिमाइज करते हैं और प्रीव्यू में देखते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए इस बॉर्डर स्पेसिंग कितनी ज़्यादा हो गई है। अब ये प्रॉपर्टी भी आप समझ गए होंगे, सपोज मान लीजिए आपको रोज और कॉलम्स के बीच में जो सेल्स की जो गैपिंग है वो अलग अलग रखनी है, तो आप कैसे करेंगे? सपोज आपको रोज कौन सी हैं, नेम सैलरी, ये रो है, इसमें आपने सेम वही 20 पिक्सल रखा, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो कॉलम्स के बीच में आपको दूरी 15 पिक्सल रख देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, तो कैसे रखा जाएगा और क्या कैसे करना है ये सब मैं आपको बताता हूँ। 15 पिक्सल सिंपल आप यहाँ पे रख दीजिए, px लिखना मत भूलिएगा, पिक्सल अगर मैं आप दे रहे हैं अगर तो, और px। इसके बाद इस फाइल को फिर से अगेन सेव करते हैं, सेव में जाके सेव किया और प्रेस 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 को मिनिमाइज किया, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब ये 20 पिक्सल रोज की जो गैपिंग है वो सेम है, लेकिन कॉलम्स की जो गैपिंग है वो कम हो गई है, क्योंकि जब मैंने उसको 20 पिक्सल दिया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन था, यानी कि रोज़ के लिए भी और कॉलम्स के लिए भी 20 पिक्सल था, लेकिन जब मैंने 15 पिक्सल दिया तो कॉलम्स के लिए वो गैपिंग 20 से कम होकर 15 पिक्सल हो गई। इसके बाद जो आती है बॉर्डर कोलैप्स, सपोज आप चाहते हैं कि ये जो अंदर नेम सैलरी सुशांत उपाध्याय 30,000, निशांत कुमार 33,000, अभिषेक शुक्ला 38,000, इन सब बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिया जाए और सिंपल एक बॉर्डर रह जाए टेबल का जो बाहर वाला है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी बॉर्डर कोलैप्स। इंटर करते हैं, यहाँ पे देते हैं बॉर्डर -, कोलैप्स, और इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब आपस में टकराना, और टकराने का मतलब एक ही चीज़ बन जाती है, यानी कि एक ही वस्तु बचती है, एक वस्तु ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, एक बॉर्डर बचेगा और दूसरे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। फाइल को सेव करा लेते हैं और अब देखते हैं, मिनिमाइज कर दिया, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब सिंपल एक ही बॉर्डर रह गया है, बाकी सब बॉर्डर्स ख़त्म हो गए हैं, और दूसरी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सेपरेट, तो सेपरेट मैं करके दिखाता हूँ, करके क्या दिखाता हूँ, तो मैंने आपको दिखाया ही था, फिर भी यहाँ से सेपरेट कर देते हैं, तो उसे देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा साफ दिखता भी है, तो सेपरेट वैल्यू मैं आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ, सेपरेट, एंटर, अब फिर से इसको अगेन फाइल को सेव कर देते हैं। अब देखिए रिफ्रेश कर देते हैं, वापस हमें वही वाला प्रीव्यू मिल गया है, आउटपुट मिल गया है, और इसके बाद एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी सेल्स एक प्रॉपर्टीज होती है, सपोज मान लीजिए आपका जो प्रीव्यू है उसमें यहाँ निशांत कुमार हटा दिया जाए या सुशांत उपाध्याय को ही हटा दिया जाए और 30,000 को हटा दिया जाए, तब क्या करना, तब उस केस में खाली बॉर्डर्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रीव्यू देखिए, मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब समझिए कि इस TD को हटा देते हैं, TD को
हटा दिया मैंने, और अब इसको सेव कर देते हैं फाइल को। अब देखिए क्या दिखता है हमें प्रीव्यू में। तो इसको मिनिमाइज किया और रिफ्रेश किया फाइल को, तो देखिए इस तरह से है। अब बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है। बॉर्डर दिखने के लिए या तो आप TD सहित उसको गायब कर दी तो भी बॉर्डर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर TD को आप रखते हैं के बाद अगेन TD और यहाँ स्लैश TD, तो देखिए क्या हो सकता है। ये हो गया सेव। अब यहाँ मिनिमाइज किया और रिफ्रेश किया तो देखिए बॉर्डर आ गया है। अब इस बॉर्डर को हाइड करना है तो आप एम्प्टी सेल्स हाइड कर दीजिए, सिंपल काम है। एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया और CSS के अंदर लिख दिया। हाँ सेल्स इस प्रॉपर्टी को लिया और हाइट दिखा दिया। अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं फाइल को और अब देखते हैं प्रीव्यू में हाइट होता है कि नहीं। रिफ्रेश किया सेल्स, अगेन से हम लोग फाइल में वही सब डेटा भर देते हैं और टी डी के बीच में मैंने रख दिया। तो एम्प्टी सेल को हटा देते हैं यहाँ से। एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी मुझे आपको दिखानी थी और एम्प्टी सेल्स प्रॉपर्टीज बस मुझे आपको बतानी थी कि ये क्या होती है। आज की क्लास में बस मैं इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा टेबल की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेबल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप टेबल की इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा सेम कर देते हैं, जो हमारा डेटा था उसको फिल कर देते हैं। शिफ्ट SHANT सुशांत उपाध्याय। अगेन जो दूसरा TD था उसमें सैलरी जो भी थी, सपोज यहाँ मैं मान लेता हूँ 28,000 थी, जो भी रही हो एक बार चेक कर लेते हैं कितनी थी। 30,000 थी, तो यहाँ पे मैं 30,000 ही कर दूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, मैंने जैसे का तैसा फाइल को बना दिया है, आउटपुट को बना दिया है, इसलिए मैंने यहाँ 30,000 ही रखा है कि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अब इस फाइल को सेव करते हैं और सेव कर दिया। अब इसके बाद मिनिमाइज किया, अब रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए हमें वैसे का वैसे मिल गया है। बस एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ, वो है कैप्शन। कैप्शन को आप अगर चाहें तो ऊपर से नीचे क्यों ला सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, तो और उसमें कलर दे सकते हैं और बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कैप्शन की मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। तो
पे आपको सबसे पहले आप लिख दीजिए कैप्शन, टाइप कीजिए कैप्शन। कैप्शन टैग था इसलिए टैग टैग नेम के हिसाब से मैं यहाँ पे CSS अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद सबसे पहले कैप्शन साइड में आप लिख सकते हैं, टॉप में है, टॉप डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है और बॉटम में भी आप उसे कर सकते हैं। तो ये हो गया कैप्शन। कैप्शन साइड कोलन लगाया। अब अगर टॉप में तो आपके पास है ही, बॉटम कर देते हैं इसे तो देखते हैं क्या होता है। बॉटम, अब इसको फाइल को सेव कर देते हैं। पूरी प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं पहले, इसके बाद बैकग्राउंड इसका है। बैकग्राउंड को कर देते हैं लाइम। बैकग्राउंड लाइम और कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। कलर ब्लू, तो देखिए कैप्शन साइड आपने बॉटम दे दिया है इसलिए, और बैकग्राउंड लाइम दिया है, कलर ब्लू दिया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। बॉटम में चला जाएगा आपका कैप्शन, यानी कि जो आपकी हेडिंग है टेबल की, सेली सीट। देख लेते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं सेव करके। अब देखते हैं, इसको रन कराते हैं रिफ्रेश करके। तो देखिए सेली सीट लाइम कलर में बैकग्राउंड हो गया है, ब्लू कलर में टेक्स्ट हो गया है और बॉटम में चली गई है। अब बॉटम हटा के मैं इसे ऊपर सेम कर दे रहा हूँ जैसे था। अगेन बॉटम की अपेक्षा मैं इसे टॉप कर, टॉप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है तो मैं इसे टॉप कर देता हूँ। टॉप, इसके बाद फाइल को अगेन सेव किया और मिनिमाइज किया। इसके बाद इसे रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए यही चीज़ सेम ऊपर आ गई। आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी CSS की कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा और टेबल की जो CSS की प्रॉपर्टीज़ लगती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर उन दोस्तों से जिन्हें ये जो ये क्लास पहली बार देख रहे हैं और उन्हें ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी इस क्लास को सब्सक्राइब, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है IT Skills बाय सुशांत उपाध्याय और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7897254607। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, चाहे चैट करके व्हाट्सएप के थ्रू बात भी कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं या मैसेज भी भेज सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, Be safe, keep safe, stay safe, stay at home. Okay, good morning again, take care.